ने कुछ बोला यार कि मैं ठंडा पड़ गया, मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूँ। और हाँ भुवन, यू टॉक्ड अबाउट कि यार इंडियन बॉडी बिल्डर, बता दो दुबई के बाद प्रोग्रेस है या कुछ? नहीं, दुबई तो तू घूमने गया था प्रोग्रेस। हेलो दोस्तों, करंट फिटनेस सप्लीमेंट स्टोर की तरफ से एक और नई वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। भाई तरुण गिल का रिप्लाई है भुवन चौहान को लेके, जो मैंने कल वीडियो बनाया था भुवन चौहान का, वो कल शायद तरुण गिल ने देख लिया, क्योंकि वो पूरा प्रॉपर वीडियो सिर्फ मेरे चैनल पे कल मैंने डाला था उसकी, और किसी चैनल पे इतनी लंबी कोई रिकॉर्डिंग नहीं थी जो बातचीत हुई थी रूबल धनखड़ और भुवन चौहान के अंदर। तो वो वीडियो कल तरुण गिल ने देख लिया। उस वीडियो को देखने के बाद तरुण गिल ने एक तो भुवन चौहान को रिप्लाई दिया है, एक इंडियन हल्क बादल है जो ट्रेन इंजेक्शन के बारे में जिक्र करता था उसको रिप्लाई दिया है, और एक सुपर सैम को दिया कि तेरे को फोड़ा हो गया था। इन तीन लोगों को रिप्लाई दिया है भुवन चौहान को छोड़ के, बाकी दो को बोला है तुम मेरे को रिप्लाई भी दो और मेरे पर वीडियो बनाओ। ये एक वीडियो देख लो आप, पहले तरुण गिल के रिप्लाई का, बाकी लास्ट में एक दो एथलीट के बारे में बताऊंगा, कुछ शो होने लग रहे हैं उनके, फोटो आपके लिए मैं लगा दूंगा यहाँ पे, जो भी एथलीट भाई रहे हैं वो शो कंप्लीट कर सकते हैं, बहुत सारे शो कंटिन्यू चल रहे हैं। तो दोस्तों तरुण गिल ने कहा भाई मेरी वजह से ही बहुत सारे यूट्यूबरों का काम चल रहा है, और मैं तुम्हें कंटेंट देता हूँ, तुम मेरे ऊपर वीडियो बनाते हो, तुम सबका काम चल रहा है, अपना काम करते रहो। और ये सच्चाई भी भाई, अभी भी तरुण गिल के कोई भी अपडेट आती है तो उस पे ज्यादा व्यूज आते हैं, अभी तक तो ट्रेंडिंग में चल रहा है तरुण गिल, उसमें कोई वो दो राय नहीं है। एक मैंने जैसे राजवीर फिटनेस के ऊपर तरुण गिल बोस ने बोला था, तो दोनों टॉपिक ऐसे थे तरुण गिल और राजवीर फिटनेस, तो राजवीर फिटनेस सीरीज की भी जो रीच है बहुत ज्यादा है यूट्यूब पे, उसके अगर वीडियो कोई डाले या वो खुद डाले तो उसपे भी व्यूज ज्यादा आते हैं। तो ये कोई नहीं दिखाता भाई, जब तरुण गिल बोलता है कि तुम्हारा धंधा चल रहा है ये लोग काट देते हैं, तो मैंने ये भी नहीं काटा, जितना बोलता है वो पूरा पूरा रो ऐसे आपके सामने दिखा दिया, बाकी आप वीडियो को एंजॉय करो। तुम लोग कितने चूते हो ना यार, देखो मैं कुछ भी बोलूंगा उसकी हेडलाइन बन जाएगी, राइट? और कितने इंस्टाग्राम हैंडल पे मैं हूं, यूट्यूब पे मैं हूं, फेसबुक पे मैं हूं, सो मैं एक रोस्टिंग का सब्जेक्ट बन गया हूं, तुम्हारी दुकान चला रहा हूं, हर जगह हूं, सो हूज गॉट द पावर, मैं कुछ भी बोलूंगा उसका बन जाएगा वीडियो। सो तुम्हें कौन चला रहा है मेरी जान? योर्स ट्रूली द जोकर। अब तुम्हें इसका एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने अपने वीडियो में बोला कि यार मुझे ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है एक्सरसाइज करने से, सो किसी महापुरुष ने एक पूरा वीडियो मेरे को डेडिकेट कर दिया कि आपने 3 साल पहले बोला था कि मैंने ट्रेंड लिया था इसलिए मुझे ब्रीदिंग प्रॉब्लम है, तो तुम्हें काम पे लगाया भाई, मैं चाहता ही यही हूं, तुम काम पे लगे रहो और मैं मजे लेता रहूं और बॉडी बनाता रहूं। यू जस्ट गॉट प्लेड माई फ्रेंड द जोकर। और हाँ, बातों बातों में तुम्हें भूलना ही भूल गया यार, लव यू टू। अब उसे एग्जैक्टली पता है मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। अब वो क्या करेगा भाई, वो बनाएगा एक और वीडियो, ओ मेरे बारे में तरुण भाई ने ये बोला, बस एक और वीडियो, एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट आई वांट। सो इस बार जो वीडियो बनाओ ना, थोड़ा सा कट थ्रोट होना चाहिए। एक और एग्जांपल देता हूँ, जैसे अभी थोड़े दिन पहले किसी ने मेरे बारे में बोला कि मैं बिग फिट क्लासिक नहीं खेला क्योंकि मेरी गांड में फोड़ा हो गया था। अब देखो वो क्या मैंने बोल दिया, अब वहां से वीडियो बनेगा, वहां से रिप्लाई आएगा, तो मेरे लिए रिप्लाई लाना इट्स लाइक दिस, सो रिप्लाई जरूर करना, एंड या योर्स ट्रूली द जोकर। किसी ने कुछ बोला यार कि मैं ठंडा पड़ गया, मैं कुछ बात नहीं कर रहा हूँ, सो भाई साहब दे दिया आपको कंटेंट, शुरू हो जाओ फिर बनाने वीडियोज। अब सो अभी मैंने भुवन का लाइव वीडियो देखा और वो बता रहे हैं वहां पे कि यार इंडियन बॉडी बिल्डर्स आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते इंटरनेशनली बिकॉज दे कीप फाइटिंग अमंगस्ट देमसेल्व्स। यार भुवन तुम कैसे सिखा रहे हो यार, ये सारे बॉडी बिल्डर्स तो आजकल यूट्यूबर्स बन गए, राइट? एंड ऑल दे वांट टू डू इज क्रिएट वीडियोस, क्रिएट कॉन्ट्रोवर्सीज एंड फाइट अमंगस्ट देमसेल्व्स। सो लेट देम डू इट ना, यू डू व्हाट यू डूइंग एन अमेजिंग जॉब एंड यू आर राइट, एंड यू आर राइट अबाउट फोकसिंग ऑन द गोल्स, एंड यू ऑल्सो राइट अबाउट दीज डफर यूट्यूबर्स, सारे उठ के तो यूट्यूबर बन गए आजकल यार, ऐसे ऐसे इतने से यूट्यूबर्स हैं, एंड दे जजिंग यू, दे जजिंग मी, दे जजिंग एवरीवन, लुक एट देयर फिजिक अपडेट, इनकी फिजिक अपडेट देखो, इनको थोड़ी चेस्ट में कमी की जरूरत है, अरे इनको तो गाइनो हो गया, अरे इनकी तो ऐस में ये हो गया, अरे इनको तो, अरे यार व्हाट द फक। सो ये सुधरने नहीं वाले भुवन, लेट मी टेल यू दैट, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द व्यूज नाउ, यू फोकस ऑन योर गोल एंड आई एग्री विद यू, यू आर द बेस्ट।
और हाँ, भुवन, यू टॉक्ड अबाउट कि यार इंडियन बॉडी बिल्डर शुड स्टार्ट डूइंग पॉडकास्ट जहाँ पे ये यू नो दे शुड इंटरव्यू बॉडी बिल्डर्स एंड नो देयर हिस्ट्री. मैं ये करता था एक्चुअली इन फॉर्म ऑफ टीजी टॉक्स आज से एक साल पहले, डेढ़ साल पहले, वेर आई इंटरव्यूड ओवर 250 एथलीट्स. 250 इंडियन एथलीट्स को मैंने कवर करा वाया टीजी टॉक्स, गली कूचो, यू नो स्लम्स में जा जा के, जस्ट टू शो देयर स्ट्रगल. बट यू नो वट वट आई लर्न, दे नॉट गोना चेंज. डिस्पाइट मी बींग इंटरव्यूइंग देम, they still disrespect you, they still say shit about you. ये सब कुछ वही करेंगे जो करते हैं, you know, fight amongst themselves. मेरे बारे में गंद बोलेंगे, मैं इंटरव्यू कर रहा हूँ मेरे बारे में कुछ बोल रहे हैं, जो पहले करते थे वो आज भी कर रहे हैं. सो यू नो दे नॉट गोना लर्न एनी थिंग. दैट्स द वे इट इज एंड दैट्स द वे इट्स ऑलवेज गोना टू बी विद देम. हाँ तो दोस्तों, आपने क्लिप देख ली होगी. ये तो एक बोन चौहान को लिए तो अपना वो था भाई. मैं भी पहले पॉडकास्ट वगैरह करता था टीजी टॉक्स पे, अब ये चलता नहीं है यहाँ पे ऐसा. तो एक तो ये था, एक है भाई इंडियन हल्क बादल है जो कि मुकेश गुरु जी है जो गहलोत सर, उनके अंडर ट्रेनिंग करते है भाई. इंडियन हल्क बादल के नाम से यूट्यूब चैनल भी है वो. बहुत टाइम से मतलब तरुण गिल के पीछे वीडियो बना रहे हैं. अभी मार्केट में एज ए कॉन्ट्रोवर्सी न्यूज चैनलों पे आने लग गए हैं. वो वीडियो बनाते हैं, न्यूज चैनल उसको दिखाने लग गए हैं. वो रिप्लाई देंगे क्या करेंगे. सुपर सैम तो इंस्टाग्राम पे अपना ट्रेडमिल पे वॉकिंग करते वक्त तो डेली आता है, तो कुछ ना कुछ कह देता है, तो वो भी कहीं ना कहीं न्यूज बन जाती है. एक तो ये था भाई, और एक न्यूज ये है भाई. न्यूज तो क्या है, मतलब अभिषेक यादव जो है भाई, वो दुबई में तैयारी कर रहा था जो कि मुकेश गुरु जी के अंडर ही रहता है वैसे. अभी वो दोबारा रिटर्न इंडिया आ गया, गुरु जी के अंडर तैयारी करेगा. बता दो दुबई के बाद प्रोग्रेस है कुछ? नहीं, दुबई तो घूमने गया था प्रोग्रेस के लिए, तभी गया था. हम वर्जिश करनी भाई, कंपटीशन आ गया, टाइम नहीं जाता. जुलाई में हमारा इवेंट है, ठीक है ना, यही करेंगे ट्रेनिंग. हो गया तो वही तरह लास वेगस जाना, तो वही नहीं जाना. कंपटीशन जो सोचा था वाला फिर मार्च में नहीं कर रहे हम, जुलाई में कर रहे हैं. पहले सोचा था हमने कि मार्च में खेलने का, जो भी आर्नोल्ड गेन करके फिर कर आर्नोल्ड क्लासिक एमएचओ लेवल अभी देखा है तो बढ़ गया है, तो हमें भी बढ़ाना पड़ेगा. बिल्कुल बिल्कुल, जब तक हम सेटिस्फाई नहीं है तो हमें लगेगा कि हाँ हमने बेस्ट किया अपना, तभी जाएंगे. तो जुलाई तक हम अच्छा गेन कर रहे हैं, ठीक है ना. कितना गेन करना है अभी? मेरा 5 किलो मसल मास है. 5 किलो? हाँ, अभी मेरा 91 हुआ है वाला. हाँ, 91 ऑन स्टेज. हमारा बॉडी वेट क्या था इस बार? हमारा ऑन स्टेज था 83-84. हाँ, तो मैं 90 केजी के आसपास ऑन स्टेज थी जितना भी है. हाँ, तो ये 100 प्लस जाएगा जो होगा वो भी बिल्कुल लीन मतलब शेप में रह के गेन करना है. वो तो रहता ही घर पूरे साल. तो फिर दुबई? नो दुबई, दुबई मैं घुमा लूंगा मैडम जीतने के बाद, ठीक है ना. भाई मैच जो सिरी क्लासिक दिल्ली में होने वाला है तो उसके अंदर वो कंप्लीट करेगा भाई, और बहुत उसके भी फैनस भाई के. तो ये एक अपडेट थी कुछ, ये 2-3 मैं आपको गेम के यहाँ पोस्टर दिख जाएंगे. ये गेम आने लग रहे हैं भाई, नरेश सूर्या क्लासिक है और भी कई गेम है. तो जिस भाई ने एथलीट भाई को ये वीडियो देख रहा हो तो गेम कंप्लीट कर सकता है कहीं, ये जाके अपना कहीं ना कहीं से जरूर मेडल मारो. और बाकी आज की अपडेट ये थी, इससे अगली वीडियो में एक और लेने वाला हूँ आज शाम तक आ जाएगी, और वो बहुत ही अलग टाइप की वीडियो होगी, आपको देखने में अच्छा लगेगा. और वो लोगों के फायदे के लिए कुछ मैं एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ. अभी का वीडियो यही था दोस्तों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद. जय हिंद दोस्तों.